हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको निटेड टाई डबल नॉट में कैसे बांधेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। निटेड टाई बेसिकली उसका नीचे का जो पॉइंट होता है वो फ्लैट होता है, इसको किस तरह से बांधते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा उसका टेल होता है, वहां से इसका जो मिड सेक्शन होता है वहां पे थोड़ा नैरो होता है, क्योंकि नीटेड टाई का जो फैब्रिक होता है, नीटेड टाई का जो थ्रेड होता है वो मोटा होता है, यानी थिक होता है। इसको किस तरह से डबल नॉट बांधेंगे कि आपका टाई एक्यूरेट और परफेक्ट बने, तो आइए देखते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं हमारे हाथ में नीटेड टाई है और इसको ये हाफ इसका जो पार्ट होता है वो नैरो होता है और फ्रंट का जो पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो टाई है वो जो जहाँ पे मैंने पकड़ा है वो ब्लू कलर का है, वो नैरो है और इसका मिड सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा नैरो हो जाता है, आप देख सकते हैं। और ये टाई फ्रंट में रखने के बाद सीधी है, मतलब ये टाई परफेक्ट बंधी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि बीच के अंदर वो ये नैरो है थोड़ा, और फिर जो वाइट पोर्शन है वो ब्रॉड होते जा रहे हैं। इसको किस तरह से डबल नॉट में बांधेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो इसका नैरो वाला पार्ट है वहां पे इसको पकड़ना है आपको, जो नैरो पार्ट है उसको इक्वल कर लेना है और वहां पे उसको पकड़ना है, और नीचे 2 इंच से लेके 3 इंच को ही छोड़ना है। उसके बाद से इसको, यानी इसका टेल होता है वहां से 3 इंच पे इसको पकड़ना है, यानी आपके 3 फिंगर जितना जगह छोड़ना है, और फिर इसको गले में रख लेना है। और कॉलर सीधी करने के बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नैरो पार्ट को पकड़ना है इस तरह से, और टेल का करीब करीब 2 से 3 इंच के आसपास से छूटेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टाई का जो नैरो पार्ट है उसको इक्वल कर लेना है और थोड़ा सा ऊपर इसको पकड़ लेना है इस तरह से, और जो टाई का नैरो पार्ट है उसका इस तरह से मैच करना है, और जो यानी 1/3 पार्ट पे इसको 1/3 पार्ट पे इसको पकड़ना है। जो ब्लू सिर्फ नॉट बांधने के लिए होता है ब्लू पार्ट, क्योंकि अगर वो ब्रॉड होगा तो टाई का नॉट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, परफेक्ट नॉट नहीं आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जहाँ पर इसका जॉइंट है वहाँ पे उसको टाइट कर लेना है और नीचे से 3 से 4 इंच के आसपास छोड़ना है। अब इस तरह से फ्रंट से बाहर जब निकालेंगे तो आपका हाफ वाइट कलर का जो पार्ट है वो आपका नॉट पे नॉट बंधेगा, और फिर राइट हैंड साइड से आपको गले के अंदर से जब बाहर निकालेंगे तो इस तरह से टाइट करने के बाद देख सकते हैं कि आपका जो वाइट पोर्शन है वो सामने दिख रहा है, फ्रंट पे दिख रहा है। और इस तरह से हाफ राउंड लेने के बाद नीचे से गले के अंदर, नीचे से गले के पास से टाई के बीच से आपको बाहर निकाल लेना है इस तरह से, और इसको खींच लेना है, इसको खींच लेना है और इसको टाइट कर लेना है इस तरह से। इसका जो नॉट है वो थोड़ा ब्रॉड नॉट बनता है, क्योंकि ये नीटेड फैब्रिक होता है, तो इस तरह से इसका जो नॉट है वो ब्रॉड बनता है। तो आप देख सकते हैं नीचे का जो पोर्शन है, नीचे का यानी फ्रंट जो पोर्शन है वो फ्लैट है, सीधी है। इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, और इसकी जो लुंची है उसको नीटेड अगर टाई होगी तो इस तरह से आप टाई को बांध सकते हैं। और नीचे से आप देख सकते हैं बेल्ट और फ्रंट की जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर 1 से 1.5 इंच के बीच में है, तो ये टाई परफेक्ट बंधी है। आप भी इसी तरह से बांधिए, अगर आपकी टाई नीटेड फैब्रिक में है तो आप इसी तरह से टाई बांधिए, आपका परफेक्ट टाई बंध करके मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।